हेलो दोस्तों, स्वीट्स किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी एकदम पुराने दिल्ली वाले स्टाइल में। जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे, बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे क्योंकि हमको उनको उबालना ही है, तो ज़्यादा छोटे टुकड़े करके फ़ायदा नहीं है। मीडियम साइज़ के इनके टुकड़े कर लेंगे। अब इसको साइड में प्लेट में डाल देते हैं। इसी टाइप से हमको दो मीडियम साइज़ के प्याज लेने, उनके भी ऐसे टुकड़े कर देने मीडियम साइज़ से। इनको भी प्लेट में अलग से रख दीजिए। तीन से चार हरी मिर्चें लेंगे। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। आधा किलो चिकन लिया है मैंने यहाँ पे। इसके अंदर एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच दही और एक ही चम्मच तेल या घी का डालेंगे। अब इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे बढ़िया तरीके से और इसे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। अब इसे साइड में कर लेते हैं। चल लीजिए सब्जियाँ उबाल लेते हैं। अब अपनी एक पतीले के अंदर थोड़ा पानी गर्म करेंगे। इसके अंदर हम हमारी जो सब्जियाँ थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च, वो डाल देंगे। अब इनको पका लेना है अच्छे से, जब तक जो सब्जियाँ हैं वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। चल लीजिए, इतने हम दही और क्रीम का मिक्सचर बना लेते हैं। एक बाउल के अंदर 6 से 7 चम्मच दही डालेंगे। उसके अंदर 4 से 5 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, साइड में रख देंगे। अब एक तवे के ऊपर 3 से 4 चम्मच तेल को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हमारा जो मैरिनेटेड चिकन था वो डाल देंगे। अब जो सारा काम होगा वो मीडियम फ्लेम पे ही होगा, लो फ्लेम पे कुछ नहीं होगा। 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे एक साइड से, फिर पलट देंगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से भी हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए चिकन तैयार होने वाला है। अब इसे निकाल लेते हैं। हमारी सब्जी अभी बढ़िया से पक गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं, सारा एक्सेस पानी सारा निकाल लेंगे इसका। हमें सिर्फ सब्जियाँ चाहिए। अब इसे ब्लेंड करके इसकी ग्रेवी या प्यूरी से बना लेंगे। अब सेम तवे के अंदर 4 से 5 चम्मच तेल को और डालेंगे। इसके अंदर 2 से 3 हरी इलायची और 1/4 चम्मच क्रश ब्लैक पेपर डालेंगे। अब इसके अंदर जो हमने ग्रेवी बनाई थी या जो प्यूरी बनाई थी वो डाल लेंगे। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से तेल के साथ। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। 2 से 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे इसको, जब तक थोड़ी सी बॉइलिंग स्टार्ट ना हो जाए। अब इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे। तब तक पकाना है जब तक जो तेल ऊपर ना आ जाए, ग्रेवी एकदम गाढ़ी ना हो जाए। यही इंडिकेशन होता है कि ग्रेवी जो है पक गई अच्छे से और मसाले भी। अब इसमें चिकन डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्टेज के अंदर इसके अंदर क्रीम और दही का जो मिक्सचर था वो डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देंगे। इसके अंदर 2 घूंट पानी डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और पकाते रहेंगे। तब तक पकाना है जब तक जो ग्रेवी है थिक ना हो जाए, तेल ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए। देखिए जी, बढ़िया हो गई ग्रेवी एकदम। इसमें 1/4 गिलास पानी और डालेंगे। अब स्टेज पे इसके अंदर हम 1/4 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे। मिक्स करेंगे बढ़िया तरीके से। अब इसे पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक ग्रेवी एकदम बढ़िया गाढ़ी ना हो जाए। देखिए जी, एकदम बढ़िया ग्रेवी हो गई है,
सब्जी आपकी एकदम तैयार होने वाली है। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे काट के, अब बस आपकी चंगेज़ी चिकन पुरानी दिल्ली वाला एकदम बढ़िया तरीके से तैयार है। इसे खाइए और मज़े लीजिए और मुझे याद ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।